इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। एक मिनट दिया ना, आज वो बहन लेने के लिए बुलाए थे और वो बहनों में उन्होंने बहुत सारा बर्ताव, बहुत बदतमीज़ी से बर्ताव किया उनके वकील ने, बड़े सीनियर साहब के ऑफिस के उनके सामने, और उन्होंने जो भी सवाल किया एकदम घटिया घटिया सवाल किया, एकदम जैसे जैसे कोर्ट में जैसे वो मुझे ऐसे बिना मुझे नंगा कर रहा था, ऐसे ऐसे सवाल वो मुझसे कर रहा था बदतमीज़। क्या कहूँ अभी, वो अभी जो नए सीनियर साहब है वो हमको थोड़ा सपोर्ट किए, हमको अच्छे से बात की है, अब देखें आगे क्या होता है। होप करती हूँ कि यहाँ का कानून फैसला करे और जो भी करेगा वो हमारे हक में ही करेगा, क्योंकि हम गलत नहीं है, गलत वो है इसलिए वो सस्पेंड हुआ है, गलत हम रहते तो हमको सज़ा मिलती थी। लगता आपको दबाया जा रहा है कि पुलिस को? बिल्कुल दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है, बिल्कुल हर चीज़ से दबाया जा रहा है, हर चीज़ से हमें परेशान किया जा रहा है, हर दस दस दिन में मुंबई से यहाँ बुलाया जा रहा है। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है, हमारा भी काम होता है, हमको भी सब कुछ देखना होता है। कौन से थाने का मामला और कब का मामला है ये? दरगाह थाने का मामला है और ये 4 जून को ये क्या बोलते हैं 2014 को ये केस दर्ज हुआ था। अब दो साल लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है क्या? हमारा वकील ही जो जेपी शर्मा जो हमारा वकील था उसने ही पहली बार तो हमको हर चीज़ में दबा दिया, उसने सारे पैसे अपोजिशन वालों से खा के जेपी शर्मा ने पूरी केस को हमारे एकदम अपोजिट कर दिया। और वो जेपी शर्मा को सजा होनी चाहिए, ही इज़ द वो सबसे ज़्यादा घटिया वकील है, उसने हमारे पैसे भी खाए और उल्टा हमारे पे ऊपर उसने पूरे बात को उलट पूरा अपोजिट कर दिया। तत्कालीन दरगाह थाना अधिकारी के विरुद्ध में एक खुशी किन्नर ने जो एक मुकदमा दर्ज कराया था और उस संबंध में विभाग द्वारा भी जो विभागीय जाँच शुरू की गई थी, उस जाँच अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा आज आरोपी अधिकारी एवं परिवादी खुशी किन्नर को सुना गया और उनके बयान लिखे गए और जांच चल रही है 16 CCA की, उसके संबंध में जो आरोप लगाए गए थे उसकी प्रारंभिक जांच हो गई थी और विभागीय जांच मेरे द्वारा की जा रही है। कोर्ट में विचाराधीन है तो अभी भी 4 साल हो गए, अभी विभागीय जांच पूरी नहीं हो पाई। विभागीय जांच विलम्ब से शुरू हुई थी और उसका कारण विलम्ब का ये हो गया था कि दोनों ही पक्षकार आपस में जांच अधिकारी के सामने उपस्थित समय पर नहीं हो रहे थे पाबंद करने के बावजूद भी, इस कारण विलंब हुआ, ये बात सही है आपकी। तो क्या सामने आया सर अभी तक प्रारंभिक रूप से कि जो जांच इनके जो पैसे का विभागीय रूप से पैसे का नहीं, वो विभाग देखो पुलिस जहाँ तक पैसे का प्रश्न है वो अपने आप में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, चूँकि ये प्रकरण विभागीय जाँच से संबंधित है और अभी इनिशियल स्टेज है, अंतिम रूप से इसको इसमें अभी इस अवस्था में करने की स्थिति में है नहीं। 4 साल बाद भी पुलिस यही कह रही है कि इनिशियल स्टेज पे है, प्रारंभिक जांच इनिशियल स्टेज पर है, मुकदमे में ये क्या कार्रवाई है वो एक अलग चीज़ है। क्या कारण रहा कि पीड़िता नहीं आ पाई सर कुछ? एक्चुअल में वो जो परिवादी या पीड़िता है खुद यहाँ रहती, अजमेर रहती नहीं है, वो बम्बे रहती है और उसके जब तक उसके बयान नहीं हो जाते हैं तो जाँच शुरू नहीं होती है। वो बॉम्बे से यहाँ नहीं आने के कारण मोटे तौर पर तो विलम्ब का कारण उसका स्वयं का नहीं आना, लेट से आना है, लेट आना है।